ब्यावर मार्ग पर स्थित हरिपुरा चौराहे पर ओवरब्रिज का विरोध तेज हो गया है। इसी के तहत बुधवार को व्यापारी व आसपास के क्षेत्रवासियों ने चौराहे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रस्तावित ओवरब्रिज को निरस्त करने की मांग की। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ओवरब्रिज का बहिष्कार नहीं किया गया तो सभी व्यापारी व आसपास के क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व राज्य सरकार की होगी। ग्रामीण नकजीराम माली ने कहा कि मांडल ब्यावर नेशनल हाईवे 158 का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के तहत हरिपुरा चौराहे पर ओवरब्रिज बनाए जाने की तैयारी चल रही है। माली ने बताया कि अगर हरिपुरा चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण होता है तो यहां कई वर्षों से अपना और परिवार का गुजर बसर कर रहे कई छोटे मोटे व्यापारियों पर रोजगार का बड़ा संकट आ जाएगा। माली ने यह भी बताया कि यह चौराहा 40 वर्षों से है लेकिन आज दिन तक यहाँ कोई गंभीर घटना व जनहानि नहीं हुई है। चौराहे पर ट्रैफिक भी नहीं रहता, ऐसे में यहाँ पुलिया निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिया निर्माण की बजाय यहाँ एक सर्किल बना दिया जाए तो इससे सरकार के करोड़ों की राजस्व हानि बच जाएगी। इसके साथ हजारों परिवारों को रोजगार भी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इतना विरोध होने के बाद यदि मंत्रालय यहाँ पुलिया बनाता है तो यहाँ के समस्त व्यापारी व आसपास के जनप्रतिनिधि उग्र आंदोलन करेंगे व सैकड़ों की संख्या में भूख हड़ताल रैलियां निकालकर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन व सरकार की होगी। पर हरिपुरा के समस्त व्यापारी व आसपास के सभी क्षेत्रवासी व युवाओं के साथ हरिपुरा चौराहे पर टायर जलाकर ओवर ब्रिज का विरोध किया। मांडल एनएच मांडल से लेकर रास बाबरा के लिए जो हाईवे बन रहा है उस पर हरिपुरा चौराहे पर जो ओवर ब्रिज प्रस्तावित है उसका पिछले एक साल से हम इसका विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारी एक साल से यही मांग है कि यहाँ ओवर ब्रिज न बनकर एक सर्कल बना दिया जाए तो यहाँ व्यापारी जो अपने व अपने परिवारों को भरण पोषण कर रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। ये हक की लड़ाई है, हम मरते दम तक लड़ेंगे और ये हमारी जनता इसको मांगे इसको पूरा करके रहेंगे।